हाय मैं हूं रसिका गाशे हाय मैं हूं मोहम्मद शीशा नयूब एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन्न यूट्यूब चैनल थैंक यू आप अपने ओपिनियंस के लिए भी जाना जाती हैं तनिष्काड आया था जी और आपने अपना गोद भराई का पिक्चर डाल दिया था एंड आई एडमायर पीपल जिनके पास ओपिनियंस है वो आपने बिंदास दिल से डाला या फिर बहुत सोच विचार के बाद आपने वो एक्सप्रेस किया मैंने तो फ्रेंकली मैं एक नाटक के शूट पर थी जहाँ पर ऐसी किसी ने नहीं बातचीत होती कि अरे कुछ कंट्रोवर्सी हुई बताओ बोध भराई क्या है उसने किसी ने मुझे समझाया मैंने कहा बताओ मेरी तो कितने साल पहले हुई थी ऐसा कुछ नहीं मैंने डाल दिया अच्छा मेरे लिए ना सोशल मीडिया भी नया नया था तब जी आ, मैं बहुत फेसबुक वाली हूँ अभी तक ट्विटर इंस्टा वाली बनी नहीं पर तभी तभी ये पता चला था मैंने ऐसी डाल दिया मेरा फ़ोन डेड हो गया उसके बाद और डेड हो गया जिन मैंने फ़ोन रख दिया काम कर रहे थे अरे ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया चार्जर नहीं है और मैं चार घंटे बाद इनसे मिली कॉफ़ी पीने के लिए जो हम शाम को रोज़ मिलते हैं तो उसने एकदम से बोला क्या कर दिया मैंने कहा किसका कह रहा फोन कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा यार बंद पड़ा है बताओ। कह रहा चार्जिंग पे लगा और देखो जरा। मैंने चार्जिंग पे लगाया कुछ बीस हजार शेयर वायरल हो गया है। लोगों के फोन पे फोन, गालियाँ। मुझे ना समझ में नहीं आया। मैंने मैंने तब भी बोला था ओ इसे ट्रोल होना कहते हैं। <laughs> पहली � इतना ना मैंने सोचा नहीं था uh, मैं हमेशा इसे कहती हूँ मैं मेजोरिटी का पार्ट हूँ इस देश में hmm. और uh, मैं बिना सोचे बहुत चीज़ें करती हूँ एंड आई विश ऐसा ही तुम भी कर सको <laughs> इतना सोच के करने जैसी ना लाइफ है नहीं बींग मेजॉरिटी यू फील बैड कि माइनॉरिटी को यह हर चीज़ सोच के डालनी पड़ रही है यू you नो know, कि मैं मैं गलत तो नहीं डाल दूंगा हम कितनी चीज़ें डाल देते हैं और मेरा नाम है मेरा नाम रसिका आगाश है और मैं क्योंकि मेजोरिटी का पार्ट हूं तो लोग ट्रोल करते समय सोचेंगे एक बार ऐसा ही ये ना माइनॉरिटी को फील होना चाहिए यू फील बैड अबाउट दैट तो खैर ये सब कुछ मुझे ये माइनॉरिटी है ये तो शादी के बाद पता चला है <laughs> I mean, आई मीन वही ना हम मेजोरिटी का पार्ट जब रहते हैं हमें पता ही नहीं होता hmm. कि बाकी लोग कैसे जी रहे हैं सो so, हाँ मेरे व्यूज़ काफ़ी हमेशा और मुझे लगता है कि रात में ना सोने से पहले एक बार क्लीन वो हो होना चाहिए और दूसरा मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी बच्ची जो अब नौ साल की हो रही है वो अगर मुझसे कभी पूछे कि जब ये सारी भसड़ मची हुई थी तब आप क्या कर रही थी तो उसको देने के लिए मेरे पास जवाब होना चाहिए दैट्स आई थिंक वेरी क्लियर वाओ वाओ तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस था वो हाँ तो वो तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था एड्स मनु कंगना के साथ मणिकर्णिका कंगना के साथ हालांकि उस वक्त रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सोनू सूद मणिकर्णिका में है वो अपसेट थे उन्होंने फिल्म छोड़ दिया वो रोल आपके पास आ गया हाँ। इतनी भसड़ में आप फिल्म में घुसे हैं क्या था सिचुएशन उस वक्त आपके साथ क्या हुआ वो तो बहुत फनी था मतलब कंगना से डेफिनेटली दोस्ती हो गई थी इसमें तेनोवेट्स मैं रिटर्न्स का टाइम पे वी हैड अ ग्रेट टाइम शो मुझे बहुत पसंद लड़की बाय द वे हां हां वही मैं कह रहा हूं तो हमारी बढ़िया दोस्ती हुई थी बढ़िया बातें बातें होती थी एंड मतलब उससे जस्ट पहले ही क्वीन आई थी और क्वीन मतलब तो मतलब कमाल ही काम कर दिया था तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत वगैरह थी अब सब था सडनली उसके बाद हम लोग फिर मुलाकात नहीं हुई रिलीज रिलीज हुआ पर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं वैसे ही था वन डे में ऐसे सुबह उठा और मुझे एक मैसेज आया था कंगना का कि कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री सुबह कुछ नौ साढ़े नौ बजे का मैसेज है मैंने देखा अपना साढ़े ग्यारह बारह बजे जब उठा तो मैंने देखा मैंने घर गंगना मैंने कहाँ गंगना कह रही यार आप अगर फ़्री हैं तो आप शाम में अगर आ सकते हैं मिलने वो मैंने कहाँ आ जा तुम क्या तो गए मैं उसके घर गया हम लोग बैठे उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे एक फिल्म बन रही थी मैंने कहाँ यार मुझे पता है तो बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस हुई थी और आई रिमेंबर मणिकने का कुछ बन रही थी तो तब मुझे कुछ नहीं मालूम उन्होंने बोला कि सोनू नहीं कर पा रहे हैं Uh, uh, कुछ कारणों की वजह से क्योंकि डेट वेट उनका मूंझ का या दाढ़ी का कुछ तो वो हो रहा है बिकॉज hmm. ही यूर शूटिंग आई थिंक सिम्बा इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वही सेम टाइम है मतलब मुझे एग्जैक्ट फिल्म याद नहीं पर उन्होंने बोला कि एक और फिल्म के लिए तो उनका लुक चेंज हो गया है एंड इट इज इट हैज बिकम डिफिकल्ट तो वो नहीं कर पा रहे हैं तो एक रोल है छोटा पांच दिन का काम तो मैंने कहा यार पांच दिन का काम पर हो सकता है ऐसा वाला कोई जो छोटा सा कोई रोल है उसमें बोला यार आई एल बी रियली हैप्पी अगर आप कर कर दें ये वो मैंने कहा यार

कुछ होगा उस टाइम पे उनको कुछ बड़ा काम आ रहा होगा उनके पास डेट नहीं होगी नहीं वर्कआउट हो रहा है तो 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 छोड़ दिया मेरा पांच दिन का शूट था कुल दैट इज हाउ इट माने आपने सोनू से नहीं बात की सोनू ने आपसे बात नहीं की कोई क्लैरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं हुआ उसके बाद ऐसा कोई इस पर बात नहीं हुई मैंने कहा भाई अब तो जो हुआ है वो हुआ है अब चुपचाप ये करो और शुक्र है उसके बाद मुझे एक महीने के लिए बाहर जाना था शूट पे मैंने कहा भाई करा वहां से डायरेक्टली एयरपोर्ट मैंने कहा फ्लाइट लेकर निकल कट लिए मुझे नहीं पढ़ना उसके एक माँने, माँने बाद एक महीने डेढ़ महीने बाद वापिस आया तब तक कुछ नया इशू उठ चुका था <laughs> नहीं 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 तो हमारी बात दब चुकी थी अच्छा सोनू और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं।, नहीं नहीं कभी नहीं मतलब ऐसे कोई दिक्कत है या कोई कन्फ्रंटेशन हो गया बल्कि एक बार मुझे हल्के से वो मिले भी थे तो आराम से प्यार से आए लोग हमारा होके हम निकल गए थे कहाँ मिले थे याद नहीं पर ऐसा कोई मतलब खराब फीलिंग हार्ड फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं था कैसा था कंगना के साथ काम करके uh, as a director या as actor? जैसे भी यार yeah, तो मतलब बहुत ज्यादा मजा आया मतलब तनु वर्ड्स मनु मतलब में मैं तो रहा कहते हम इसीलिए हमारी दोस्ती हुई हमें वी वर हैविंग सो मच फन ना वो सारे सीन्स में वो नीचे वो हंसने वाला सीन है वो बाइक पे जो बातें चल रही है वो मतलब एक्चुअली मेरा तो पूरा ट्रैक उसके साथ ही था एक्चुअली हाँ. वो एंड में सिर्फ एक बार आता हूँ वो एक, एक आध दो मोनोलॉग लेने के लिए तो वी हैड ग्रेट टाइम इसमें हमारे साथ में एक्टिंग कुछ थी नहीं मरने uh, really वो बड़ी क्लियर है वो बीच बीच में ऐसा होता था कि सीन करके उसको पता था कि अपने शॉर्ट का लेने उसके बाद आगे बोलती थी कि चलो आ, जो है अब बैठते हैं आराम से बातें करते हैं एंड देन टॉकिंग अबाउट यार वो फिल्म देखी कितनी खराब आई है उसकी परफॉर्मेंस देखी तो ये थोड़ा सा जो एक वो वाला होता है मसाला वाला मसाले वाला एक जनरल हमने वाली बातें करी थी सक्सेस के साथ क्योंकि आपने इनिशियल फेज में उनको बहुत सपोर्ट किया जब भाई साहब कमाने लगे वो कौन सी सबसे प्रेशियस चीज है जो इन्होंने आपको दी है कहा बसवा रहे भाई कुछ <laughs> नहीं दिया है मैं अभी गाली पड़ेगी <laughs> उनको बोलने दो ना हाँ कभी और छोटी चीजें भी बहुत बढ़िया होती है भाई आई uh, थिंक उसने मुझे फ्रीडम दिया है नाटक करने का हाउ स्वीट जो मैं बाकी किसी चीज में मुझे वो नहीं है दिल जीत लिया भाई तुमने मेरा मैं मेरे आंसू आकर हाउ स्वीट नहीं हां यानो दिस ऑन सीरियस नोट आई मीन बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है हाँ। ये फ्रीडम तो। क्योंकि मैं ना अब आराम से मना करती हूं कि नहीं नहीं ये मुझे काम नहीं करना है यू नो ये नहीं करते मुझे जो अच्छा लगेगा जो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं उस पे काम कर सकती हूं ये फ्रीडम बहुत जरूरी है वो मुझे भाई ने दिया है <laughs> ये भाई वाला मैं पहले ही बता दूं <laughs>

जीशान सर, भाई। हाँ मतलब उसे सब जीशान भाई कहते हैं शादी से पहले भाई शादी के बाद अभी, भाई अभी बोलती है भाई मतलब भाई साहब हाँ। आदर सम्मान में तो ये सब कहती है तो भा, भाई साहब तो हाँ विशेष सम्मान जनरली जी तुम्हें है ना ये वायरल होने वाला <laughs> ये कर दिया ना तुमने रायता ये सोच वाह ये तो ये वो वाला मोमेंट है देखो वाह अरे सब कह रहे हैं मैं क्या करूं वाह बहुत बढ़िया तो बसीरा तो तो इसलिए आ रहा है कि अब क्या बोलेंगी नेक्स्ट बहुत सही हमारी नाइविटी के चक्कर में हमारी आधी चीजें वायरल हुई है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा वो नहीं करते कि क्या होगा हम बोल देते हैं दिल की बातें और वो वायरल हो जाती है अरे अच्छा यार दिल से और दिमाग से लाइट रहते हो आप और वो सबसे इंपॉर्टेंट है बस इतनी नीयत होनी चाहिए किसी को यू you know, नो नहीं करना है या किसी को अफेक्ट नहीं करना है बस आ, ये कोशिश होनी चाहिए भाई सलमान खान आमिर खान शाहरुख खान तीनों के साथ काम कि हो आमिर साथ थग्स ऑफ हिंदुस्तान इतनी बड़ी फिल्म थी इतनी बड़ी फिल्म थी और चली नहीं आपको भी लगा उस वक्त हाँ डेफिनेटली मतलब एक्चुअली दो फिल्में एक साथ मतलब वो एक बड़ा ख़राब वक्त था <laughs> <laughs> कौन सी दो फिल्में ठग्स <laughs> जीरो एंड ठग्स मतलब ठग्स आई है दिवाली नवंबर आई थिंक मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं पर आठ दस नवंबर टाइप तो उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था मतलब फॉर श्योर आप, आप मैंने अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट दो साल इन दो फिल्म में दिए थे बिकॉज ये एक साथ शूट हो रही थी तो वो लोग अपने तौर पर एक दो महीने का शेड्यूल करते थे देन दे यूज टू टेक अ ब्रेक फॉर टू मंथ्स बट इन दैट ब्रेक मैं दूसरी फिल्म शूट कर रहा था hmm. तो दोनों फिल्मों में बहुत ज़्यादा अपने आप को डाला था बहुत उम्मीद थी कि कुछ होगा पर दोनों ही फिल्में जो हैं वो एकदम नहीं चली मतलब ऑडियंस ने नकार दी फॉर वेरियस रीज़न्स तो मैं काफ़ी अफेक्ट हुआ मैं काफ़ी uh, बहुत ज़्यादा लो मतलब आई थिंक एक वो वक्त था पहला जो बहुत ज़्यादा लो था मैं तीन चार महीने मतलब एकदम ही ना सर भारी कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड सडनली वही होता है ना हमारे यहाँ तो एकदम फिर फ़ोन आना बंद हो जाते हैं लोगों के फिर एकदम काम का वो आपको दिख रहा है कि अब कुछ काम नहीं है एंड एवरी थिंग देन मैंने लेकिन उसी टाइम पे आई थिंक मेरे लिए वो एक लेवल पे इंपॉर्टेंट था मेरे मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइस क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे ये सोचने का मौका मिला कि नहीं यार असल में मुझे क्या करना है मुझे किस तरह का काम करना है यहाँ पे क्या मुझे ऐसे ही एक बहुत बड़ी फिल्म का बस हिस्सा किसी भी तरह बन जाना है या मुझे एज एक्टर अपना कुछ प्रजेंट करना है क्योंकि मुझे एक एक लेवल पे ये भी बुरा लगा था ऑनेस्टली कि उसके आ, उन दोनों फिल्मों के ना चलने की जिम्मेदारी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है इस बात पे भी मुझे बुरा लगा कि नहीं यार अगर फिल्म फ्लॉप भी हो रही है तब भी आ, कोई मुझे गाली नहीं पकड़ा यानी कि मेरी कोई ओनरशिप थी ही नहीं इस फिल्म पे हाँ वरना आदमी बोलता ना कि यार ऋशान ने भी देखो खराब किया अरे देखो झीशान की फिल्म नहीं चली नॉन एग्जिस्टेंट फील करते हैं एक ऐसी फिल्म में एंड आई रियलाइज कि नहीं यार दिस इज रियलाइजन आ गया दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट एंड दैट वॉज द टाइम जब मैंने बोला कि मैं रुकूंगा और कुछ कायदे का ही करूंगा एंड लक्की उसी दौरान मुझे दो सीन के लिए आर्टिकल 15 मिल गई एंड आई वॉज़ लाइक कि ये मुझे करना है बिकॉज़ यहाँ पे आई कैन शो के मैं एज एक्टर आई कैन कैरी अ होल वर्ल्ड ऑन माई शोल्डर्स एंड एक्चुअली वो मैंने अप्रैल में मतलब ये दिसंबर में ये घटना हुई है दो महीने बड़े ख़राब थे मार्च में बात हो के अप्रैल में आई डिट दैट फिल्म देन अगेन दो महीने मैंने लिए बट उसके रिलीज होने पर एक तो लकीली वो रिलीज फॉरन हो गई वो uh, बनी है फिल्म एंड आई थिंक बाई मई और जून इट वॉज देयर एंड सडनली आफ्टर आर्टिकल फिफ्टीन आपको एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ आप जिंदा हैं लोगों के फोन आ रहे हैं सडनली यू आर लाइक के यस दिस इज वॉट आई वॉन्ट जब ये फेज में भाई थे <laughs> आपने इनको कैसे सपोर्ट किया या ओपनली आपके साथ एक्सप्रेस करते हैं कि मैं ये फील कर रहा हूँ मैं एम्टीनेस फील कर रहा हूँ मैं नॉन एग्जिस्टेंट फील कर रहा हूँ आपसे एक्सप्रेस करते हैं आ, इसके दो महीने के मंथन के बाद वो शेयर करता है मुझसे ये कि हाँ मेरे साथ एग्जैक्टली exactly ये हो रहा है इट्स वेरी सैड इसी दौरान जनरल मतलब ये एक फेज है क्योंकि रोज का रोज कम्युनिकेट नहीं होता तो फिर झगड़ा सा होने लगता है कि मुझे पता है तुम परेशान हो पर तुम क्यों परेशान हो मुझे पता नहीं है और क्या तुम मैं बताने लायक नहीं हूँ क्या हो गया यू नो ये वाला एक कचकच -कच शुरू होता है दो महीने बाद जब उसने मुझे बताया ये ये है मुझे इस तरह से लग रहा है मैंने कहा तो ये पहले दिन बता देते <laughs> <laughs> मैं पहले दिन से साथ देती पर आई थिंक उसको भी वो फिगर आउट करने में जो टाइम लगा आ, ये ना कितना भी हम साथ में हैं और मतलब हर चीज़ में हम साथ में कुछ लड़ाइयाँ आपको अकेले लड़नी पड़ती है तो ये ये वो वाली लड़ाई है कि ये आपके एग्जिस्टेंस की लड़ाई होती है तो ये आपको अकेले जूझना ही पड़ता है बगल वाला ना सिर्फ मतलब मुझे आजकल ये लगने लगा है कि हाँ अब मैं साथ कैसे दे सकती हूँ कि ओके अगर ये परेशान है इन दो महीने में झगड़ा नहीं करेंगे <laughs> और उस वक्त हुआ था क्योंकि आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होंगी कि भाई साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं हाँ, और आपको मालूम है कुछ प्रॉब्लम है राइट हाँ क्योंकि मुझे ये समझ सी दिस जो ये कह रहा था आई फाउंड इट वेरी क्यूट वेन यू टोल्ड मी कि तुम्हें फेल्यूअर के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है इसलिए तुम दुखी हो ये मेरे लिए ना बहुत क्यूट था मैंने कहा अरे लोगों ने कहा है ना कि जीशान तो ठीक ही किया या अंडर यूज है ठीक है उसने कहा नहीं मुझे ब्लेम चाहिए मैंने कहा तुम्हें ब्लेम चाहिए फेल्यूअर का बता <laughs> so, बताओ सो मैं बताऊँ ये बहुत ही ब्यूटिफुल लाइन है ये पहली बार 29 इयर्स हो गए रसिका जी इंटरव्यू करा पहली बार मैंने सुना है कि किसी को फेलियर का ब्लेम hmm. है यानी कि ये वापस वही बात है ओनरशिप ओनरशिप और मैं हूं और right. जब मैं हूं तो मैं हूं एग्जैक्टली exactly, मेरा आई फाउंड इट वेरी क्यूट दैट टाइम आल्सो मैंने कहा अरे ये तो बता देते मुझे बाद में बट हाँ पर मैंने उसमें एक बड़ी वाहियात बात की थी मतलब थोड़ा इसके फन के जोन में मैं इतना परेशान था पता नहीं क्यों मुझे अब हंसी भी आती है और लगता है कि यार कैसा आदमी हूं मैं मैं इतना परेशान था कि मैंने पैनिक शॉपिंग कर ली थी कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है और मैंने पैनिक शॉपिंग में कार खरीद ली थी हाँ. और मैंने ले ली थी मर्सिडीज <laughs> और जितना मेरा सेविंग था सब मैंने डाउन पेमेंट करके मैंने कहा ऐसी की तेजी वो आ गई गाड़ी और उसके बाद मैंने बोला क्या करा मैंने मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं कोई चीज़ साइन नहीं करूँगा और मैंने सारा पैसा डाल के मैंने कार खरीद ली तो वो एक बाद में मुझे हुआ मैंने कहा भाई वो बहुत बड़ी बेवकूफी तो <laughs> गाड़ी बेचने की नौबत तो चलिए कभी घूमेंगे अरे क्या बात उसी में आए शायद आप अभी यहाँ सुना है मैंने क्या बात है शाहरुख सलमान आमिर के काम करने का तरीका कैसे आपने नोटिस किया दूर से कैसे आपको अफेक्ट किया इंस्पायर किया या नहीं इंस्पायर किया आई थिंक शाहरुख सर की वो एनर्जी मतलब जो हर आदमी बोलता है और एक्चुअली है ही मतलब आप जानते हो मुझसे बेहतर जानते हो ये बात कि वो एनर्जी जो है वो एडिक्टिव है वो आपको एक्चुअली इंस्पायर करती ही करती है जैसे मैं वाला तो शेयर करता ही हूँ कि जब मैं रईस के सेट पे, पे पहली बार उनसे मिला था तो एक्चुअली उन्होंने जिस तरह से मुझसे हाथ मिलाया उस टाइम पर मैं थोड़ा उस वाले जोन में था कि यार बकवास काम आ रहे हैं क्या करना है ऐसा करूंगा एक फिल्म शाहरुख खान के साथ करके आई साइन आउट और मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा ये मैंने सोचा हुआ था कि रही से लास्ट फिल्म करूंगा बस और वहाँ पे व्हेन आई मेट हिम और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा आई एक्चुअली फेल्ट सम करंट इन माई बॉडी एंड आई वॉज लाइक कि नहीं यार मुझे बहुत काम करना है मुझे दिल लगा के काम करना तो आई थिंक वो एक कमाल की चीज़ है बाकी इंस्पायर नहीं उनका अलग तरीके हैं काम करने के जैसे सलमान सलमान सर के साथ वैसा है कि वो अपना आके कुछ एक लाइन बोलते हैं बहुत हल्के से कुछ बोल के चले जाते हैं एंड हमारा शूट बहुत कम था मतलब मैंने उनके साथ बहुत कम शूट किया उस तौर पे ज़्यादातर जो है वो एक्शन थे और मेरे अलग से वो होते थे कि मैं कुछ कंस्पायर कर रहा हूँ एंड एवरी थिंग आमिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए एकदम एक एक लाइन एक एक पॉज पे रुक के चलते हैं तो जैसे मैं उस तरह का एक्टर नहीं हूँ मैं थोड़ा सा उससे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है उससे पर हाँ मैं मैं मानता हूँ कि फिफ्टी परसेंट आपको छोड़ना चाहिए व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ताकि ताकि, फील करे। ताकि वहाँ पे भी कुछ आपको नया मिलने की संभावना होती है दिस इज वॉट मतलब ये मेरा स्कूल है एक्टिंग का तो उनका बहुत ज़्यादा प्रोसाइज है तो वो एक मेरे लिए बड़ा अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस तरह के एक्टर के साथ काम किया नहीं जिनका सब एग्जैक्टली मार्कड आउट होता है तो मेरे लिए बड़ा वो था कि यार इसके बीच में अब मैं अपने स्टाइल में कैसे इसके बीच में जर्नी ले सकता हूँ वो एक अलग लेवल पे इंटरेस्टिंग था ये जो अटेंशन आपको मिल रहा है अभी आप शोकिंग कर रही हैं एंजॉय कर रही हैं या फिर डिटैच है इससे जो स्कूप के बाद जो हो रहा है हाँ भाई मुझे मजा आ रहा है मुझे हाँ इट्स गुड फन लोग अच्छी तरह से ले रहे हैं एंड आई रियली लव वर्किंग विथ हंसल सर मतलब वो जितना फ्रीडम दे रहे हैं मुझे मुझे बहुत मज़ा आया था ये करके आपकी बेटिया का क्या रिएक्शन है <laughs> दोनों को देखकर uh, वो देखी क्या uh, नहीं नहीं देखी ना आई आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वो एक्चुअली हुआ था मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी है मेरा वो पोस्ट मैं उसकू देख रही थी घर uh. में क्योंकि हमने प्रीमियर दो एपिसोड देखे थे मैं घर में देख रही थी मैं ही स्क्रीन पे थी एंड शी जस्ट उसको टीवी अलाउड नहीं है बहुत सारा संडे टू संडे देखती है बेचारी तो वो अंदर आई तो मैंने पॉज किया क्या है तो मैंने कहा एक सीरीज है कह रही तो तुम हो मैंने कहा हाँ कह पॉज क्यों क्यों अच्छा ला तो मैंने कहा नहीं बड़ों का शो है और वैसे मैं आ, अच्छी इंसान नहीं बनी क्यों करती हो ये सब करके <laughs> <laughs> नौ साल की है। क्यों करती हो मतलब बुरा ही इंसान क्यों बनना है सो <laughs> so, हाँ, उसने ओबियसली नहीं देखा है <coughs> उसको बहुत दिनों तक एक्चुअली ये लगता था कि ईशान पुलिस में है कह रही थी उसने बेसिकली हमने ना उस तरह से कभी बताया नहीं कि एक्टिंग और ये सब कभी हम उस तरह से हम नहीं चाहते कि उसको शुरुआत से ऐसा लगे कुछ तो एक शो आया था रंगबाज रंगबाज टू उसमें आई आई वाज वाज प्लेइंग अ कॉप एंड ऑन द पोस्टर तो वो जब अपने स्कूल से वापस आती थी वैन में तो वहाँ पर वो ऐसे गन लिए मैं कॉप के कपड़ों में खड़ा हुआ तो उसने वहाँ देख के उसको ही लगने लगा कि मेरा बाब जो है वो पुलिस में है तो मुझे बोल भी रही थी कह अरे मैं अपने स्कूल में भी बोलती थी

क्योंकि हमारी मे, मेरा नििहाल भी इसके जो दोस्त आते हैं हमारे जो लोग घर पे आते हैं कोई राइटर है कोई डायरेक्टर है ये एक्टर है ये हाँ, सब यही लोग हैं एवरी मतलब सब लोग यही काम करते हैं तो वो बाकी भी अपने दोस्त जो है बिल्डिंग वाले वो उनसे यही पूछती है कहती हाँ। कहते है, तो तुम्हारे पापा का शूटिंग पे गए <laughs> मेरे पापा शूटिंग नहीं ऑफिस जाते हैं मेरे पापा तो शी एक्चुअली थिंक्स के सब लोग इसी फील्ड में काम करते हैं दुनिया में उसको ये वाला आइडिया ही नहीं है कि जॉब एक अलग चीज़ होती है जहाँ तो रेगुलरली जाना होता है तो आई होप और साल भर में समझेगी अंगार। hmm. भाई। जी। इमरान खान मेरे ब्रदर की दुल्हन कहाँ इसका टच में है कि नहीं क्या सीर है नहीं बिल्कुल टच में नहीं है हम बीच में एक बार लास्ट हम मिले थे मेरे ख्याल से ठग्स के टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट हम आ, माल्टा में शूट कर रहे थे तब मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था बहुत अच्छी हमारी बात हुई थी और रात में सब लोग हम बैठे हुए थे तो आई थिंक ही इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग वो बोल रहे थे कि नहीं मैं आई एम नॉट टू एक्टिंग राइट नाउ ऐसा उन्होंने मुझे तब बोला था जिस बात को हो गया चार साल पाँच साल स्कूप में बहुत सारे सीन्स हैं पर एक सीन करते वक्त और करने के बाद आप भी हिल गई थी हाँ देट वॉज सीन जहाँ पर वो मैं उसको खींच के ले आती हूँ और टीवी सुनाते हुए कहती हूँ कि यही करती हो तुम आ, और वो सीन इम्प्रोवाइज सा हो गया था सीन इतना ही था कि मैं उसको खींच के लाती हूँ टीवी का बटन ऑन करती हूँ मतलब वॉल्यूम बढ़ाती हूँ सो आई ड्रैगड हर ड्रॉप हर देर और मैं जब तक बाहर निकल रही थी सडनली हंसल सर खड़े होकर चिल्लाने लगे पाठक पाठक करके और उन्होंने इशारा सा किया तो सारी औरतें इन द शॉर्ट बर्तन बजाती हुई थालियां बजाती हुई पाठक पाठक चिल्लाने लगी एंड आई मैंने एग्जैक्टली देखा कि शिट इस औरत के साथ क्या हो रहा है मैं तो वहीं पर रो दी थी कि उसके साथ एंड दैट वाज ऑल इम्प्रोवाइज्ड सीन इट वाज बी वंडरफुली डन मैं तो बहुत बड़ा फैन गया भाई सच्चे आई विश हमारे लिए अपने लिए नहीं था, हमारे लिए और कर दो ताकि हम लोग देख <laughs> थिएटर तो करते अनुसार मनोज बाजपाई हो नवाज हो पंकज त्रिपाठी हो या कोई और हो एक नाम आपको चुनना और क्यों आई लव दिस तो बहुत ज्यादा मुश्किल है मतलब इसमें मैं सिंपल तौर पे हल्का सा सेफ ही खेल रहा हूँ और सीनियोरिटी में क्योंकि मनोज सर मनोज वाजपेयी क्योंकि मेरे लिए ना मतलब मेरा तो एक वो भी कहानी है ना एक पुरानी जुड़ी हुई है आप शायद बताइए कि वो अक्स के टाइम पे जब मैं अक्स देख ली थी मैंने बॉम्बे आके तो मैं वापस भाग गया था मुझे लगा था कि एक्टिंग नहीं कर सकता मैं तो आई थिंक मनोज वाजपेयी सर इनके सीनियर भी हैं एंड आई एम श्योर आप नवाज भाई पंकज भाई से भी पूछेंगे वो भी यही बोलेंगे कभी कॉम्प्लेक्स हुआ किसी एक्टर के सामने नहीं कभी नहीं आई टू आई देखे हो और कॉन्फिडेंटली खड़े हाँ। चाहे जो भी हो वहाँ पे उसमें मुझे कहीं कोई टेंशन <laughs> कह रहे ये उसमें मतलब माइट साउंड बड़े वैसा बॉम्पस है लेकिन किसी किसी से डर लगता है एक्टिंग में किसी से डर नहीं लगता एक चीज जो आप चाहती है कि जीशान अपने ऊपर काम करे वो क्या है रोमांटिक जेस्टर्स भाई मुझे उम्मीद थी कुछ एक्टिंग पे आएगा पर तो आपने यार लाइफ फसा दी मेरी <laughs> भाभी आई आई लव लव यू यू तो यहां तो बोल दो अरे नहीं आई लव यू आई लव यू तो रोज का है हमारा रोज का है मैं कितने साल हो गए पंद्रह अरे के यार देखो मुझे मुझे नहीं याद होगा देखो अभी अभी पंद्रह मिनट में भूल गई बीस मिनट फूलों के लिए वेट करती रहती हूँ हर बार ये बातचीत होती है इस बार क्या चाहिए अरे यार इनको रजनीगंधा के फूल चाहिए नहीं मिल रहे हैं <laughs> बड़ी मुश्किल से एक बार कहीं से अरेंज करके लाया था तो बोली हाँ गुड गुड जस्चर हाँ। और भी करो मैंने कहा अरे एक बार मिल गए बड़ी मुश्किल से रोज रोज से मांगती नहीं है हाँ। मैं क्या करती हूँ एक्टर हो स्टार एक्टर तुम ऐसे करोगे तो आ जाएंगे सर अब ये शुरू करूंगा मैं ये मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है उसी में किसी से मांगा करूंगा इसको ब्लॉक करके बताओ <laughs> एक घंटा इसको ब्लॉक किया जल्दी से कोई ना ना। कि भाई ना चाहिए अभी क्या वो मुकाम पे पहुंच चुके जहाँ किसी भी डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो यशराज हो करण जोह उनको फोन करके बिंदास बोल सकते हो दिल से कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है और करते हो कि नहीं मैं ये करता नहीं हूँ पर हाँ आई थिंक इतना मुझे फ्रीडम मिला है मतलब सभी लोग जो हैं वो पर्सनली नाम से जानते हैं कि हाँ देर इज़ एन एक्टर एंड स्पेशली आफ्टर स्कूप जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है मतलब ऑलमोस्ट सारी ही जगह से फ़ोन आ गए हैं पर्सनल नंबर निकाल के कईयों के नहीं भी थे कि अरे मैं फ़लाना मैंने कह रे भाई क्या हो रहा है सो आई थिंक ना मैं कर सकता हूँ लेकिन पता नहीं मुझे ना थोड़ा वो हो जाता है कि करना है नहीं करना है इसे मैंने हंसल सर से बोला था Uh, मैंने समीर नायर से बोला था मैंने एक बार सोया से बात हुई थी कोई सामने मिलता है तो आए uh, मतलब मैं दिखा देता हूँ कि हाँ भाई मेरा बहुत दिल है आपके साथ काम करने का पर ऐसे फोन करके मैंने करा नहीं है बट आई थिंक करना चाहिए आप सही यार। समीर ने? फिल्म है हीरो बने थे तुम नहीं नहीं ये अच्छा रिएक्शन था आपने कहा नहीं है क्यों कहा आपने ऐसे नहीं आई आई पॉइंट ऑफ व्यू नो 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 रिस्पेक्ट कि लोग सामने से काम ऑफर करते हैं और उसे काम इस तरह से Uh, उसका काम देखकर लोग सामने से आते हैं आई एम प्राउड अबाउट इट सो वो जाकर फोन करिए मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा <laughs> फोन आते ही रहेंगे ये मैं यकीन से कह रहा हूँ और हमेशा आते रहेंगे ठीक है और फूल भी बहुत जल्दी आएगा माई <laughs> 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 अगर देखा जाए जर्नी में तुम एक फिल्म जो तुमने कहा काश मैंने नहीं की होती वो कौन सी फिल्म मुश्किल सवाल है ये पर पंगा ना वही है कि अभी ना सारी अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं ये होता है आई थिंक ये एक बड़ी ह्यूमन बड़ी अच्छी ह्यूमन क्वालिटी होती है कि आफ्टर अ पॉइंट ना आपको सिर्फ अच्छी फिल्म्स याद रह जाती हैं बट आई एम श्योर मतलब जो मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट भूल गया हूँ देर मुझे ये फील कई बार आया है कई सेट्स पर आया है मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आया कि यार गलत जगह फंसे ये नहीं करना था ये नहीं करना था बट अभी मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली क्या ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी मुझे समीर कोई फिल्म थी जहाँ आप जीरो जी, बने थे जी वो चली नहीं थी राइट जी, जी. कहीं अफसोस है क्योंकि अभी देखो अभी आप कैरेक्टर एक्टर जाने जाते हो और मैं बिलीव करता हूँ कि मेन एक्टर्स भी अभी कैरेक्टर एक्टर बनना चाहते हैं कहीं अफसोस है उस बात का यार कि मैं मेन हीरो जो बनने निकला था वो नहीं हुआ देखिए मतलब एक तो वो प्रोटैगनिस्ट ही था इट वॉज नॉट के हीरो हीरो वाला कैरेक्टर है बिकॉज इट वॉज अ सीरियस सीरियस फिल्म और वो मुझे पहले से ही पता था कि uh, ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने वाली फिल्म है नहीं बड़ा सीरियस टॉपिक पर बन रही है इट इज़ अबाउट टेररिज्म भी है और पता नहीं क्या क्या है तो एक आइडिया था रिलीज़ बहुत ख़राब हुआ जैसे मुझे यादव uh, कोमल नाटा सर का भी था मतलब चार पाँच लोगों ने वो डाला था कि यार फिल्म ना थोड़ा सा रिसीव कर सकती थी रिलीज ही आई थिंक कुछ uh, मतलब सौ से ऊपर कुछ प्रॉमिस हुए थे पर आई थिंक कुल मिला के तेईस जगह पे कोड पहुंचा था जहाँ पे स्क्रीन पे चली है तो तेईस शोज थे पूरे इंडिया में कुल मिला के नहीं हुआ ऑब्वियसली अफसोस इस बात का था कि यार अगर ये पहुंचती तो शायद और इस तरह के कैरेक्टर आना शुरू होते और ज़्यादा लोग मुझे एज प्रोटैगनिस्ट देख पाते तो वो एक अफसोस था ही बट आई थिंक यही जर्नी है क्या करें भाई जाने से पहले एक चीज़ जो आप लाइफ से एक्सपेक्ट करती है दोनों के लिए लाइफ से अरे बबुआ हाँ मतलब बाकी जो भी हो आ, काम और वो शाम की कॉफी साथ में पीते रहे <laughs> लाइफ सच के जाओ हाउ ब्यूटीफुल इनकी आईज कितनी एक्सप्रेसिव है भाई हाँ बहुत एक्सप्रेसिव मुझे तो पता है भाई हाँ <laughs> मुझे तो पता है <laughs> <laughs> यही देखते रहना हमेशा आंखें आगे बना के उधर <laughs> देखोगे तो भाई अरे टेंशन मतलब